बच्ची मेरे पास कितने दिन पहले आई थी? तीन दिन पहले लड़की आई थी। इसकी हालत ऐसी थी, इसके कपड़े फटे थे, इसकी हालत इतनी बुरी थी। मैंने ऑफिस में एंट्री की तो सबसे पहले मैंने इस लड़की को देखा, तो ये लड़की ने बोला कि नहीं नहीं ऑफिस में नहीं, ये मेरे घर आई थी और मैं नींद से सो रही थी। तो इसने घर पे नॉक किया और दरवाज़ा खुला तो ये लड़की अपनी माँ के साथ आई हुई थी। बोले मेरे बच्चे को मेरे पति ने छीन लिया है। बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम बोलो। मेरा आदमी रात भर मुझे मारा और उसके बाद में इसको दूध नहीं पिलाने दिया। फिर बाद में ये रो रही थी तो इसको मटके का पानी पिला रहा था, और फिर भी ये रो रही ना तो इसको मारे जा रहा था और बोल रहा था कि दूध के बिना तू नहीं रह सकती। सुबह होते ही इसको छीन के लेके मुझे मार के भगा दिया मेरी मम्मी के साथ में। इनके ऑफिस को मैं 2 दिन से ढूंढ रही थी पर मुझे मिल ही नहीं रही थी। फिर 2 इंसान मुझे मिले, 2 लड़के लोग। फिर मुझे जुबैर भाई का नंबर दिए तो उनसे मैंने बात करी तो वो मुझे ऑफिस का बताया। तो ऑफिस जब आई तो मैं बंद थी। फिर वो मुझे घर का एड्रेस दिए, उनके घर पे मैं गई तो घर का दरवाज़ा जब मैंने ठोका तो इनकी लड़की ने दरवाज़ा खोला और बोले आपा मीरा रोड में रहते हैं। मैंने बोली कि मेरा बच्चा 2 महीने का है और मेरे आदमी ने छीन के ले लिया है, वो वहाँ रो रही है, मैं यहाँ रो रही हूँ। उनको बोलो कि मैं प्लीज़ मिलने के लिए फ़ोन पर बोलो, मैं बोली। फिर उन्होंने इनको बोला नींद में से उठा के कि 2 दिन का बच्चा है, आदमी ने उनके छीन लिया है। तो ये फटक से मुझे अंदर बुलाए और फिर बाद में मेरे से बात की। फिर उसके बाद में ना जाके लेकर आई है बच्चे को। मेरे आदमी से जब बात की तो आड़े टेढ़े उसने बहुत सारी बातें किया कि मतलब जो आपको करना है करो, जो मुझे करना है मैं करूँगा, उसको मैं नहीं रखना चाहता, बच्चा मैं दूंगा नहीं, मैं मेरे बच्चे के साथ थी ना तुम्हारे साथ। तो यहाँ से लड़के गए थे, इमरान भाई, जुबैर भाई, जफ़र भाई, आदिल भाई, सब लोग मेरे साथ में आए थे। फिर उसके बाद में गए हम जब वहाँ पे तो आदमी का मेरा दरवाज़ा फौर ठोकने लगे। एक पुलिस भी आया था नाला सुपारा से, बहुत टाइम दरवाज़ा खोलने पे। फिर बाद में उसने दरवाज़ा पूरी स्टोरी सुना उसकी। दरवाज़ा खोला तो हम ढूंढने लगे घर में जाके, तो बच्चा मेरा दिख नहीं रहा था। तो उससे सवाल किया पुलिस ने कि बच्चा किधर है, तो बोला कि जोगेश्वरी में है। जोगेश्वरी में। तो 2 दिन के बाद में मैं बुला लूँगा। तो फिर हम बाहर निकले तो 3 लड़के खड़े थे जो मेरे आदमी के दोस्त थे। तो भाभी तुम इधर क्या कर रहे हो? तो मेरे को रोते देखे तुम इधर क्या कर रहे हो? मैं बोली मेरे बच्चे को 4 दिन से मुझसे अलग करके रखा है, मेरे बच्चे की खाली रोने की आवाज़ सुना रहा, मैं उधर रो रही हूँ और ये इधर। तुम चलो मैं बताता हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड के घर पे मुझे उसने लेके गया और उसकी गर्लफ्रेंड लेके बैठी थी मेरे बच्चे को और वो रो रही थी। मैं जब उससे मांगने के लिए गई तो मुझे बोलने लगी कि ये मेरा बच्चा है। मैं बोल रही मुझे तो मेरा एक्सप्रेशन बता दे, ऐसा बता रही है एक्सप्रेशन तो बता, वो गर्लफ्रेंड का कैसे पकड़ा था? उसने तुम जब वहां गए बच्चा लेने के लिए, तो मैं जब बोली मैं मेरा बच्चा दो तो ये ऐसा करने लगी कि नहीं ये मेरा बच्चा है, मैं नहीं दूंगी, मेरा बच्चा, ऐसा बोल रही थी गर्लफ्रेंड। उसकी गर्लफ्रेंड ऐसा बोलने लगी, पति की गर्लफ्रेंड भी है। तो उसके बाद में फिर हम लोग उससे ले के बच्चे को ले रहे तो फिर वो इमरान भाई से कहने लगे, इमरान भाई बोले तू दे उसका बच्चा। तो वो बोलने लगी मैं मालिश करके उसको देती हूँ तेल की, मैंने मालिश भी नहीं करी उसकी। तो वो बोले कि उसका बच्चा वो सब कर लेंगी तू दे दे। फिर उसके बाद में मेरा बच्चा उसने दे दी। तो फिर हम लोग चौकी गए, वहाँ पे जाने के बाद में फिर चौकी में बाद में फिर यहाँ पे आ गए लेके बच्चे को। फिर आपा के पास जब आए, जब इसको खोला मैंने तो इसके पीठ पे कुछ निशान भी थे ब्लू, आज भी है इसके निशान, नीला हो गई है पीठ, इसको किसी ने मारा है, पूरा हरा नीला हो गई है पीठ पे निशान है इसके कुछ, ये देखो पीठ के ऊपर इतने छोटे बच्चे को। और मेरी बच्ची इतनी हेल्दी थी, आज उसका चेहरा 2 दिन में चेंज हो गया है, 2 महीने के बच्चे को मारा गया था, एकदम वो हो गई थी ये बच्ची, पूरा बदन पे इसके निशान है, हरी हरी ब्लू ब्लू ऐसा बॉडी पे निशान है। और जब मैं आपा के पास आई तो मतलब इसके ना हगीज तक उन लोग ने चेंज नहीं किए थे, तो इसका पूरा बच्ची को यूरिनल इन्फेक्शन इतनी बुरी तरह से हो गया था कि बच्चा रोना बंद नहीं कर रहा था। अभी ये बच्चा ऐसा हो गया है कि ये हेल्प केयर का बच्चा बन गया है। पिछले 2 दिन नहीं, 3रा दिन है आज का, ये लोग मेरे पास ही है, मेरे घर पर ही है। और इसका पति, इसको हमने कल भी बोला था आने के लिए, करेक्ट, कल भी बोला था, आज भी बोला था, ये 2 महीने की बच्ची है। इसके पति ने जिस पोजीशन पे ये माँ और ये बच्ची आए थे, इस बच्ची को हमने रेस्क्यू किया 2 दिन पहले, और 2 दिन के बाद आज ये बच्ची इस हालत में है कि आप लोग इसको देख पा रहे हो। जब ये बच्ची तो आई थी पूरा खींच गया था, बहुत उसकी खराब कंडीशन हो गई थी, बहुत ज़्यादा दुबली हो गई थी, वो आग वाग भी एकदम सूझ गई थी। नूर आया,
और वो कान भी इसके दोनों भी फूट गए, पी पा रहा है इसके कान से लड़की के। We have done her treatment. तो दीदी ने दवा वगैरह भी उसकी की और कपड़े भी लेकर आई, मुझे भी उनके मतलब कपड़े वगैरह भी दिए उनके घर में, उन्हें खाना पीना रहना सब कुछ मतलब एक फैमिली से भी ज़्यादा है मतलब मेरे लिए तो वो है। चलो एक 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 केस आपने ये सुना कि जिसमें पति का ये हाल है। अच्छा पति ने धमकी फ़ोन पे क्या दिए पता है कि वो 20 लोगों को लेकर आएगा इधर पर मेरे पास, आएगा वो 20 लोगों को लेकर मेरा कुछ उखाड़ने के लिए। अच्छा हमने बच्ची का नाम बदल दिया है, इसका नाम सबा परवीन है लेकिन आज से ये शबनम शेख है। हमने नाम मिलकर नाम चेंज हो गया बच्चे, क्योंकि बच्चे का सर्टिफिकेट नहीं बना है तो उसने इसलिए बच्ची का नाम इससे पहले क्या था, इसका नाम सबा परवीन रखी थी मैंने। तो अभी आपने इसका नाम क्या रखा है? शबनम शेख रखा है। शबनम शेख सर्टिफिकेट का बना नहीं है, सर्टिफिकेट में यही नाम होगा और मैं भी बुलाऊंगी यही नाम इंशाल्लाह। और अभी वैसा हो गया। अच्छा आई मस्ट टेल यू एवरीवन, हां ये इसकी गोद में रोएगी लेकिन ये मेरे पास आएगी ना तो चुप हो जाएगी। मैं कल ऑफिस लेकर आई थी इनको साथ में एंड आई वाज बिजी इनसाइड, ये बहुत रो रही थी। मैंने इसको बोला क्यों रो रही है, अंदर लेकर आ अंदर। ये जनता का दरबार है यहाँ पे, पूरे हिंदुस्तान के कोने से मैं आज भी बोल रही हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान को बोल रही हूँ, कहीं आपकी कोई नहीं सुनता, पूरे हिंदुस्तान से पब्लिक यहाँ पे आ सकती है, ये जनता का दरबार है, यहाँ पे आके बिंदास बोल सकती है। मेरे को मेरे दोस्त जो दूर दूर रहते हैं ना, यहाँ नहीं लंदन में पेरिस में न्यूयॉर्क में, वो लोग फ़ोन कर करके पूछते हैं ये टेबल पे मारती है तो लगता नहीं है क्या हाथ है कि क्या है ये। तो तुम लोग कहीं पर भी हो हिंदुस्तान में, यहाँ आओ और बैठो और अपने दिल की बात बोलो। बोलो आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुमरा से आई हूँ, ये मेरी बेटी है, इसका शौहर कुरान हाफिज़ है और एक लड़की है सुमैया नाम की, वो पहले मदनपुरे में रहती थी और अब मुमरा आई, उसको मदनपुरे से मार कर भगाया गया क्योंकि उसका पेशा ये है अमीर लड़कों को फांसना, उनसे पूरे पैसे इकट्ठे करना और अपनी मजबूती बनाकर वो आदमी को मरता हुआ छोड़ कर चले जाना, धोखा देना। अब वो चौथा पाँचवा नंबर, अब छठा नंबर मेरे दामाद का है तो मेरे दामाद के साथ भी वो यही कर रही है। कम से कम 10 लाख रुपए के तक उसको खिला चुका है उसने और अपनी औरत को 1 रुपया भी नहीं देता है खर्चा। अब मैं यहाँ मैडम के पास इसलिए आई हूँ कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले। उसने 4 महीने से मेरी बेटी को मेरे घर पर भेजा हुआ है, 1 रुपया भी देता नहीं, इसका 3 साल का बच्चा है वो, उसको भी मैं ही पाल रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पर आई हूँ कि वो लड़की का ये पेशा बंद होए। अब वो जिस घर में रहती थी मुमरा में आलिया अपार्टमेंट में, उस घर पर हम लोग गए थे तो वहाँ से मेरे दामाद ने उसको घर खाली कराकर अब MM वैली में कहीं दिलाया है, जो एड्रेस अभी मुझे पता नहीं है, वहाँ पर उसका घर संसार सब बसा कर दिया लेकिन शादी नहीं किया अभी, उसको ऐसे ही रखा है। मेरी बेटी को बोलता मैं तेरे साथ समझौते के साथ रहूँगा, वो लड़की उसको ऐसा बोलने पर मजबूर कर रही है। तो मैं मैडम से ये चाहती हूँ कि उस लड़की को यहाँ बुलाकर मेरी बेटी को इंसाफ दिलाए। वो लड़की का पेशा ही यही है कि वो अमीर लड़कों को फांसती है और उसके साथ उसका भाई भी है, जुनेद नाम है उसका, वो भी उसके साथ रिकॉर्ड है ऐसा सब है मदनपुरे में। दाऊद नाम का उसका जो पहला हस्बैंड था वो आज मौत और जिंदगी के इसमें लड़ रहा है, वो गांव चला गया, उसको भी पूरा बर्बाद कर दिया सब, वो उनका मुझे रिकॉर्ड नहीं मिला। जो मिला है वो आपको सच बता रही हूँ। एक औरत आई थी मेरे पास, बोलती है कि मैं भी आई, मेरे साथ अगला नंबर भी आई है, मैं क्यों आपका नंबर कितना है, तो बोलती मैं छठी बीवी हूँ और मेरे साथ में वो सातवां नंबर भी आई है। मैंने बोला क्यों, मतलब बाप के हस्बैंड में ऐसा क्या है कि तुम छठी हो और सातवां नंबर भी साथ में आई है। तो बोलते वो पता नहीं था, मुझे तो बोला कि मेरी पहले एक शादी हुई, मैं दूसरी वाइफ हूँ और मैं बोली सातवां तूने क्यों किया, तो बोले मेरे को तो बोला मेरी एक पहली वाइफ है, तू दूसरी है। बोली काम क्या करता है, बोले मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं कुरला में रहता है कोई, तो बोले मेरा काम क्या करता है, तो बोले प्रेस रिपोर्टर है, तुम लोग भी सब लोग कर लो साथ साथ। मैडम उसकी फोटो एक बारी बताओ, देश के भाइयों को बता दूं क्योंकि आज एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दुखित दिन है क्योंकि आज के दिन RSS वालों ने हमारे श्री महात्मा गांधी जी को
गोली मारी थी और आप सभी लोग जानते हैं आई लव माई बिलव्ड महात्मा गांधी जी। इसका नाम सुमैया यासीन अंसारी है। इसका नाम सुमैया यासीन अंसारी है। पता नहीं ये नाम बदल बदल के मिले या कैसे मिले। नाम है इसके भाई का, जुनेद इसके भाई का नाम है। मैं एक दो चीज़ें प्रेजेंट करना चाहती हूँ। फर्स्ट लेट मी टेल दैट सम्मान और हमारा हिंदुस्तान हमें दिलाने के लिए उनके लिए बोलते हैं ना हम कुछ भी कर दे तो कम है। जो हमारी आज़ादी है, जो हम आज आज़ाद है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा राज है वो श्री महात्मा गांधी जी ही है। आरएसएस जैसे दल को लानत है, इनका सत्यानाश हो। बोलते ना इनके सबके जो आरएसएस जैसे ग्रुप में काम करते हैं ना, इनका सबका आखिरी समाधान यही होगा कि इनके सबके मुंह में नया मगरमच्छ के साइज के कीड़े पड़ेंगे। ये सब तुलच तुलच के मरने वाले लोग ये पार्टी मना रहे हैं ना, इनका सबका सत्यानाश ही होगा। मैं चाहती सब लोग दो मिनट के लिए साइलेंट हो जाएं और आग बंद करके महात्मा गांधी जी को दो मिनट के लिए श्रद्धांजलि दें। वालों ने आज का दिन शर्म आनी चाहिए उनको हिंदुस्तान में रहने के लिए। फिर ये हम कहते हैं बीइंग अ वुमेन, मेरे ख्याल से हम एक साथ में बैठी हैं सब लोग, हम औरतें ही बैठी हैं सब एक साथ में। यहाँ से जितनी पीछे बैठी पूरी औरतें बैठी हैं सब, हम लोग एक साथ में ही बोलेंगे। लाना थे उन लोगों पे जो महात्मा गांधी जी के मरने पे सेलिब्रेशन मनाए। लानत है, मेरी बात से जो सहमत है वो हाथ उठाए प्लीज। लानत है उन पे जो महात्मा गांधी जी के मौत पे सेलिब्रेशन मनाए। अगर मैं पूरे हिंदुस्तान से पूछूंगी तो पूरा हिंदुस्तान हाथ उठाएगा आरएसएस के खिलाफ। बेशक महात्मा गांधी जी की जय। मैं चाहती हूँ सब जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। ये शोलापुर से यहाँ आई हैं, ये पद अधिकारी हैं कि ये शोलापुर में वहाँ पे शबनम शेख का काम करें। जो मैं करती हूँ यहाँ ये वहाँ जाके वही काम करें। शुक्रिया, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मैडम का सपोर्ट है ना। मैडम को सपोर्ट नहीं है, तुमको मेरा सपोर्ट है जी। करो वैसे काम आ जैसा करना चाहिए। मैडम की जैसा मैडम का हमारे को सपोर्ट है बोली मैं, इसीलिए बोली। तो काम हो गया। सैयद है उल्लू तक का गाने चाहिए आवाज। मेरा नाम शकीला सैयद है, मेरे शोहर का नाम जावेद सैयद है। मेरे ससुराल वाले ने मुझे बहुत परेशान करके रख दिए हैं, मुझे घर से निकाल दिए। मेरे शोहर ने मेरा दहेज वगैरह सब कुछ बेच दिए और ऊपर से मेरे को कोर्ट में ले जा के मेरे सिग्नेचर करवाए कि मैंने अपनी मर्जी से बेची। और महिला मंडल भी हुआ है, महिला मंडल से ले जाके मुझे 8 दिन अच्छे से रखे। उस टाइम में मुझे इतना मारे बहुत मारे जो मेरा मिसकैरेज हो गया मार मार के। फिर बाद में मेरे थ्रू में दागिने का सब कुछ मतलब सब कुछ लिखा के करके मेरी बच्ची को जोर देके कि मैं तेरी बच्ची को मारूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। पूरे घर ननन ससरे देवर सास मेरे शौहर सब लोग ने मेरे साथ बहुत गलत किए। मेरे हर चीज़ मतलब मेरे खिलाफ़ कर दिए लोग ने कि तू कहीं पे भी जाएगी तेरी कोई सुनवाई नहीं होगी, तू कहीं पे भी चले जा मेरे पास पैसा है, मैं पैसा फेंकूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। मुझे इतना मजबूर कर दिए, ना मुझे खर्चा देते ना कुछ नहीं। 2.5 साल से मुझे मेरे पापा के पास छोड़ दिए है। आज लेके जाऊँगा कल लेके जाऊँगा लेकिन नहीं जाने का कोई वो नहीं है। कहाँ काम करते किधर रहते, कभी दिल्ली कभी ओसूर कभी मैसूर, माँ बाप के पास ही रहते यहाँ पर आते तो। और माँ बाप के पास आते सिर्फ हमारे पास 1 घंटे के लिए आते या 1 दिन के लिए आते, उसमें सिर्फ फिजिकल रिलेशन के लिए ही मेरे पास आते और चले जाते। व्हाट्सएप पे गंदे गंदे मैसेज वगैरह भेजते। हाँ और अभी मैं मुझे एक महीना इसके हस्बैंड ने इसको तलाक का नोटिस भेजा है और नोटिस भेजने के 1 दिन पहले इसके साथ सो के गया है एंड शी इज़ प्रेग्नेंट नाउ। नाम बोल
जोर से बोलो तुम्हारे हस्बैंड का नाम। जावेद सैयद। फोटो दिखाओ हस्बैंड का। किधर रहता है? पता नहीं, जोगेश्वरी में घर खाली कर दिया, मुझे पता नहीं कि कहाँ रह रहे हैं। नाला सुपारा में मुझे कब मिलने के लिए आते? मेरे पापा के पास। ढाई साल से छोड़ दिए मुझे। मेरी बच्ची है ना, मेरी बच्ची को केयर करते ना, पूछते कुछ नहीं, और सब मेरे खिलाफ सबूत बना के रख दिए हैं कि तू कहीं पे भी चले जा, मैं तेरे को कहीं पे भी कुछ भी करने नहीं दूंगा। तू ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, खाली फोटो दिखा, टेंशन मत ले। मैं बोलती हूँ उनको मुझे तलाक नहीं चाहिए, तो बोलते नहीं मेरे को तेरे छोड़ देने का, नहीं तो बेटी को मेरे को दे दे। और अभी जो प्रेगनेंट है वो? वो बोलते मैंने वीडियो उनकी रखी हूँ सब रिकॉर्ड, बोलते तू चूतिया बनाने के धंधे मेरे सामने नहीं करना। बोले वो किसी को भी बता देना, लेकिन मेरे सामने चूतिया बनाने के धंधे नहीं करना। और फिर फोन पे बोलते फोटो निकल, फोटो निकल। ये मेरे हस्बैंड, मेरी हालत इतनी खराब कर दी है। इसको जरा देख लो, ये कितना महारथी आदमी होगा, सेल्फी ले रहा है बेचारा। तेरे तो मैं सेल्फी स्टिक भी तोड़ दूंगी रे, तेरे को तो बहुत लाफे मारने वाली हूँ मैं। काजी के जरिए जिसने निकाह किया ना, उसके उसको पैसे खिला के ये नोटिस भेजे, लेकिन हम लोग ने लिए नहीं नोटिस। निकाहनामा भी नहीं भेजा, निकाहनामा भी नहीं दिया। दहेज वगैरह सब कुछ बिका दिए, दागिना भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं। और मेरी सास को कैंसर है। हाँ, और कहाँ रहते, किधर रहते, अभी तक एड्रेस पता नहीं। जोगेश्वरी में बोले घर बिक गए, टूट गए, जोगेश्वरी में बिल्डिंग बनने वाली है, तो लोग कहाँ रह रहे, किधर रह रहे, सिर्फ खाली इतना मालूम है कि मीरा रोड में रह रहे। और ये तो कुछ बताते नहीं कि कहाँ काम करते, किधर करते, कहाँ रहते, किधर जाते, कुछ भी नहीं। सब बातें मेरे से सब छुपाते हैं। क्या काम करते हैं? ये मशीनों के काम करते हैं, ये गाड़ी वगैरह जो मेन पास आते हैं ना, उसके काम करते हैं। बहुत अच्छा मोबाइल नंबर है उसका? हाँ, मोबाइल नंबर भी, और उनके यूट्यूब पे सब अपना डाले हैं मशीनों का जो काम। खाने की औरत इसके लिए है क्या? यूज़ करो और फेंक दो। हाँ, औरत इसके लिए शादी करा के कोई लेके जाता है क्या जिंदगी छुड़ाने के लिए? मेरी बच्ची के पास हम बच्ची का भी नहीं सोचते। मेरे ससुराल वाले इतने इतने बेकार हो गए, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है ना। मेरा दागीना ना, मेरा दहेज, पूरा प्रूफ अपने, लेकिन मैं कहाँ पे भी जाऊँ तेरा नहीं सुनेगा, मैं पैसा फेंकूँगा ना। मेरे सास ससुर लोग बोलते हैं तेरी जिंदगी हम लोग इतनी बदतर बना देंगे, देखो पूरा बर्बाद करके छोड़ देंगे। आज वही पूरा मेरे को बर्बाद कर दिए। मैं माशाल्लाह इतनी अच्छी थी, टेंथ तक पढ़ी हूँ, मैं बहुत अच्छी थी, लेकिन आज मेरी हालत देखो कैसी है। मैं पैसे पैसे को मोहताज हूँ। आज मेरे आदमी ने मेरी जिंदगी इतनी झंड बना दिया है। ओए, चुप हो जा, चुप हो जा। मैं बहुत ढाई साल से परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। चुप हो जा, चुप हो जा। तू मेरे पास आई है ना, अब तेरे रोने के दिन खत्म हुए। चुप हो जा, मैं यही हो गई थी। तेरे रोने के दिन बेटा खत्म हुए, अब उसके चालू होंगे। चुप चुप चुप। बहुत से थ्रेट कितने आते हैं आपको? क्योंकि लास्ट टाइम जैसे हमने बात की थी, आपने बोला कि बहुत सारे थ्रेट आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि फॉल्स केस आपके पास आते होंगे, तो उसका पता कैसे लगा थी आप, अगर उस बारे में कुछ बताए? इन्वेस्टिगेशन, हम हर केस का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मतलब कोई भी केस हमारे पास आता है ना, तो ऐसा नहीं कि वो आया और बोला, उसने कुछ बोला और हमने सुना और हमने बिलीव कर लिया, ऐसा नहीं होता है। हमारे पास कोई आता है तो उसको पहले रिटर्न कंप्लेंट देनी होती है, ठीक है? रिटर्न कंप्लेंट की बेस पे हम लोग उसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है? उसके बाद में हम उसके ऊपर पेपर वर्क करते हैं। अगर हमने पेपर वर्क नहीं किया, जैसे कि हम अभी आप एज अ कंप्लेनर आए हमारे पास, आपने बताया कि आपके साथ में फ्रॉड हुआ है, फॉर एन एग्जांपल आपके साथ में फ्रॉड हुआ है, तो हम हायर अथॉरिटीज़ को इसके बारे में कंप्लेन करके बताते हैं कि दिस इज़ व्हाट हैपन विथ यू, ठीक है? हायर अथॉरिटीज़ को कंप्लेन करके ये बताते हैं कि दिस इज़ व्हाट हैपन विथ यू, एंड दिस हायर अथॉरिटी शुड टेक अ प्रॉपर एंड अप्रोप्राइट एक्शन अगेंस्ट दिस पर्सन हु हैज़ डन फ्रॉड विथ यू। यू गॉट माई पॉइंट? सो दिस इज़ अ वे ऑफ एक्शन व्हाट वी टेक, ओके? हाँ, अगर
केस के इन्वेस्टिगेशन में कहीं पर भी मुझे ये लगा कि तुम झूठे हो तो तबीयत की फटके खाओ, ये तो लिख के ले लो, समझे बात को। तो हम लोग कहीं पर भी चीटेड नहीं होते, अगर चीटेड होते हैं तो मैं केस इमीडिएट छोड़ देती हूँ। क्योंकि देखो एक ए, एक दो तरीके होते काम करने के, एक तो इंसान दिमाग से काम करता है, एक तो दिल से काम करता है। तो मैं दिल से भी काम करती हूँ और दिमाग से भी करती हूँ। दिल से कैसे हो जाता है, पूरा 99% चैरिटी में हो जाता है, ठीक है। 1% जो है कमर्शियल होता है, 1% बोलते हैं ना, 0.1% होता है, मेरा तो 0.1% होता है, 1% भी नहीं होता भाई, लोग सीधा सीधा सुन लो मेरी बात, 0.1% होता है। तो 0.1% में दाल रोटी चल जाती है, बाकी 99.9% जो है ये सारे पूरे पब्लिक आते हैं मेरे पास, बाल्टी भर भर के रोते हैं और पूरा सोशल वर्क करवा के लेके जाते हैं, कुछ बचता ही नहीं है यार, क्या बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने मतलब हर स्टेट में अपना कोई अपॉइंट किया है या फिर ऐसा कुछ करने की सोच रही है आप, अगर कुछ बताना चाहे। ऑलमोस्ट ऑल मेरे 12 ब्रांचेस ऑलरेडी पैन इंडिया में खुल चुके हैं और इंशाल्लाह देर आर मोर 24 ब्रांचेस आर कमिंग अप। तो हम अब कहने में रहा नहीं, आई डोंट बिलीव ऑन टॉकिंग, मैं करके दिखाने में बिलीव करती हूँ। क्योंकि महात्मा गांधी जी का बर्थडे जो है 2nd of October है और मेरा 1st of October है, तो मैं एक चीज़ बचपन से ऐसे पता नहीं, जब मैं 3-4 जैसे मैं बता रही थी 24 ब्रांच आर मोर कमिंग अप, डेट 1 तारीख के बाद, नाउ वी आर कमिंग अप 1 more ब्रांच ऑफ अस विच इज़ वेरी क्लोज, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस जो है वो मुमरा के आते हैं। तो मैं मुमरा में अभी 1st of February मे बी और या फिर डिले एक आध दिन का हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे इनको पता नहीं क्या करना है। हमारे बेगम मैडम जो नेशनल सेक्रेटरी है हेल्थ केयर फाउंडेशन की, इनका वजन देख के आप समझ गए होंगे कितनी भारी ब्रांच खोल रहे होंगे, तो ये पता नहीं क्या करना चाहती है उसमें। तो इन्होंने मुमरा के जो ब्रांच का पूरा भार जो है इन्होंने खुद उठा लिया, एक तो ये खुद इतनी भारी ऊपर से भार भी उठा लिया है तो मुमरा का ब्रांच जो है नूरजा बेगम संभालने वाली है, नूरजा पारवे बेगम संभालने वाली है। मैडम का नाम ऐसे नूरजा पारवे है, बेगम तो हमने इनको लखब दिया है। वो कहते ना हर सल्तनत का एक बादशाह होता है, तो हिंदुस्तान के बादशाह हम रहे तो ये है हमारी बेगम। और इंशाल्लाह ताला उमरा की ब्रांच के बाद हम दूसरे ब्रांचेस की ओपनिंग भी आपके सामने रखेंगे। हाँ, उदयपुर से एक ऑफर आया।